नमस्कार, मैं हूं मेहर। स्वतंत्रता दिवस पर CN24 की तरफ से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम बात करेंगे पॉलिथीन से गोरखपुर की आजादी की। पॉलिथीन पर प्रतिबंध आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई इससे होने वाले नुकसान बता रहा है तो कोई इसके फायदे। पॉलिथीन का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहाँ तक कि हम इससे होने वाले नुकसान को भी दरकिनार कर धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें अब पॉलिथीन से आज़ाद होना ही पड़ेगा। जैसे हम अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुके हैं, उसी तरह हम गोरखपुर वासियों को अब 15 अगस्त 2018 को इस पॉलिथीन से आज़ाद होना पड़ेगा। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ी समस्या देकर जाएंगे, जिसकी भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा। हम हैं इस वक्त नगर निगम के डंपिंग कूड़ा स्टेशन पर। यहाँ के चारों तरफ देख सकते हैं जैसा कि कूड़ा ही पसरा हुआ, और इस कूड़े में 75% पॉलीथीन ही है। जहाँ एक तरफ महेसरा पुल है और महेसरा ताल का ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके सटे ये कूड़ा डंपिंग स्टेशन जहाँ बनाया गया है, कि इसके चारों तरफ कूड़ा है। कूड़ा में लगभग 75% पॉलीथीन का ही दिखाई दे रहा है। पॉलीथीन व थर्माकोल से बने डिस्पोजल ग्लास, प्लेट आदि का तो एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को तो कम करता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देता है। जिसके अलावा शहर में बने नाली और नालों को भी चोक कर देता है, जिससे जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और क्षेत्र में भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नतीजतन जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को ध्वस्त कर देता है, साथ ही जल जमाव का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है और लोगों का जीवन जीना भी दूभर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम पॉलिथीन के बने वस्तुओं का प्रयोग करने से तौबा तक नहीं करते हैं। जहां इसके प्रयोग से जल जमाव और पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पॉलिथीन जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। देखा यह जाता है कि जब लोग बचे खाद्य पदार्थों को पॉलिथीन के कैरी बैग में रखकर फेंक देते हैं, तो जानवर कैरी बैग के साथ ही खाद्य पदार्थों को निगल जाते हैं और पॉलिथीन उनके पेट में गलने की बजाय इकट्ठा हो जाती है और जानवरों के लिए मौत का कारण भी बन जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकारों द्वारा समय समय पर पॉलिथीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। प्रतिबंध के कुछ समय तक इसका असर दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर लोग पॉलिथीन का प्रयोग उसी गति से करने लगते हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की CM योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से पॉलिथीन पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर चुके हैं और अब 15 अगस्त से इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की प्रदेश की योगी सरकार घोषणा कर चुकी है,
जिसकी शुरुआत बीते 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर प्रतिबंध से आरंभ हुई। अब 15 अगस्त से थर्माकोल व प्लास्टिक के बने कप, प्लेट व एक बार प्रयोग कर फेंके जाने वाले सभी सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आज से 50 माइक्रोन के प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद 15 अगस्त से प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, ये जितने भी ऐसे उत्पाद हैं, इन सबको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। थर्माकोल के भी कप, गिलास आदि को रोका जाएगा। और तीसरे चरण में हर प्रकार के उस प्लास्टिक को जिसको लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, इन सबको पूरी तरह प्रतिबंधित करके प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने की कार्रवाई, एक अभियान हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि जीव सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, और इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की कार्रवाई हुई। इस संबंध में CN24 की टीम ने आम जनता से पॉलिथीन से आजादी लेने के संबंध में बातचीत की, तो उनका जवाब इस प्रकार रहा। आइए आपको दिखाते हैं कि जनता का क्या कहना है। हम इस वक्त हैं नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, और हमारे साथ हैं कुछ लोग। आइए जानते हैं कि ये पॉलिथीन से आजादी चाहते हैं या नहीं। आपका नाम क्या? राजेंद्र शुक्ला, जंगल कौड़िया। क्या आप पॉलिथीन से आज़ादी चाहते हैं? पॉलिथीन से हम आज़ादी चाहते हैं। कैसे आज़ादी चाहते हैं? आज़ादी ऐसे चाहते हैं कि जो छोटे छोटे महीन पॉलिथीन है, वह कचरा के रूप में जाता है और गलता नहीं है। वह धरती के लिए भी हानिकारक है और पशुओं के लिए भी हानिकारक है, इसलिए इस पॉलिथीन का बंद होना आवश्यक है। हाँ, सुशील श्रीवास्तव। और पॉलिथीन बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हम यह भी चाहते हैं कि सरकार, जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं और उनको रोजगार जो है उसके बारे में गंभीरता से विचार करे, एक विकल्प बनावे, क्योंकि उसी सरकार ने इन पॉलिथीन कंपनियों को लाइसेंस दिया था, उनको लोन प्रोवाइड कराया था और एक बड़े उद्योग के रूप में यह विकसित हुआ था। तो अगर वो बंद होता है, वहाँ रोजगार ख़त्म होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं कोतवाली थाने के पास रहने वाला हूं। ये बताइए कि पॉलीथीन से आज़ादी आप चाहते हैं? सर, मैं पॉलीथीन से बिल्कुल तरह से आज़ाद चाहता हूं, क्योंकि पॉलीथीन सिर्फ ये पॉलीबैग्स नहीं, आप देखते होंगे कुरकुरे, अंकल चिप्स, स्नैक्स में भी जो पॉलीथीन आती है उसको भी पूर्णतः बंद होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और बारिश के दिनों में नाली चोक नहीं लेंगी और चारों तरफ जल जमाव नहीं होगा। आप चाहते हैं कि नहीं? आप? हम भी चाहते हैं आज़ादी। मैं धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। ठीक, और ये पॉलिथीन की जो समस्याएं हैं, ये सही है। मालकिन मान लीजिए ये जो है नाले हैं और है, ये फेंकते हैं कूड़ा कटकर रोड पर जानते होते हैं, उसमें प्रदूषण फैलता है। इसलिए जो है पॉलिथीन का प्रयोग तो बड़े स्तरों पर हो रहा है, लेकिन छोटे स्तरों पर जो पॉलिथीन का व्यवस्था है, यह जो है कूड़ा करकट और कचड़े का ये जो है सड़कों पर हो रहा है, इससे प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए इसका रोका जाए। आप बताइए, क्या पॉलिथीन से आज़ादी चाहते हैं? जी। तो क्या कहेंगे? पॉलिथीन सर जो है बंद हो तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसका मेन रीज़न है पॉलिथीन ही जो है। और पॉलिथीन बंद हो, सरकार जो है बंद करे, लेकिन उसके जगह पर जो है जो कंपनियां हैं या जो लोग उससे बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं करे कि वो आगे क्या करें, क्योंकि बंद तो कर देती है लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं करती है। पॉलिथीन से आज़ादी के संबंध में गोरखपुर के सदर सांसद प्रवीण निषाद से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमने पॉलिथीन से आज़ाद होना ही होगा और मल्टीनेशनल कंपनियों के प्लास्टिक पैक में बंद खाद्य पदार्थों पर भी प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना होगा, तभी इस पॉलिथीन से पूर्णतः आज़ादी मिल सकेगी। हमारे साथ हैं गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद जी। आइए जानते हैं कि ये पॉलिथीन से आज़ादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये बताइए, पॉलिथीन से आज़ादी आप चाहते हैं?
चाहते तो हम भी पॉलीथीन से आज़ादी, लेकिन आज जो सर्कुलर जारी किया है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, देखा जा रहा है कहीं कहीं छोटे तबके के जो बिजनेसमैन हैं, छोटे तबके दुकानदार हैं, ठेले वाले खुमचे वाले हैं, इन पे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं जो दूसरी तरफ पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे अंबानी हो, चाहे जितने भी मैगी हो, दूध उत्पादन हो, अमूल हो, ये सारे की सारी पैकेजिंग जो प्लास्टिक में आ रही है, आप वहाँ पे बंद करें, आम आदमी जो नीचे जीवन यापन कर रहा है निश्चित तौर पर वो भी परित्याग कर देगा पॉलीथीन का। कहीं कहीं आपको सरकारी जो सर्कुलर जारी किया उस पर ठोस कदम उठाना पड़ेगा प्लास्टिक के लिए। जनता छोड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन किसी न किसी रूप में उसके घर वो प्लास्टिक आ ही जा रहा है। आप छोटे पॉलीथीन जो है उसको बंद कराने के ठेले पे वो बंद कर दे रहे हैं, प्रशासन अमला भी लगा हुआ है कि ठेले खुमचे दुकानदार सब प्लास्टिक बंद कर दें, लेकिन जो बड़े व्यापारी है, जो जिसकी पैकिंग बम्बई से हो रही है, जिसकी पैकिंग दिल्ली से हो रही है, वो जो बिस्किट पैक होकर आ रहे हैं, जो मैगी पैक होकर आ रहे हैं, जो दूध पैक होकर आ रहे हैं, जितने भी सामान पॉलीथीन में, वो भी तो बंद होना चाहिए। कहीं कहीं वो भी हमारे लिए हानिकारक है। हाँ, तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक अमला निचले तबके के दुकानदार और व्यापारियों के ऊपर वो कार्रवाई कर रहा है, वही प्रशासन अमला बड़े व्यापारियों के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है, वही कानून उनके ऊपर भी लागू हो सकता है। कहीं कहीं ये दोहरीकरण दिख रहा है कि निचले क्रम के जो छोटे व्यापारी हैं उनको उस अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है कि आप पॉलीथीन बंद करें, नहीं तो हम आपको इस दफ़ा के अंदर हम आपको जेल भेज देंगे, ये कार्रवाई करेंगे। वही कानूनी प्रक्रिया बड़े व्यापारियों के साथ भी होना चाहिए। ये दोहरीकरण वाला, जो बड़े व्यापारी हैं वो खुलेआम पैकिंग करके, प्लास्टिक की पैकिंग करके जनता में भेजने का काम कर रहे हैं, और वहीं जनता बहिष्कृत करना चाहती है, लेकिन कहीं कहीं दूसरे रूप से उसके घर में पॉलीथीन आ जा रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। जैसा कि सांसद ने कहा कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक और सवाल भी खड़ा किया कि बड़े व्यापारियों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। गोरखपुर के मंडलायुक्त अनिल कुमार से CN24 की टीम ने गोरखपुर को पॉलिथीन से आजाद करने के संबंध में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि शासन की नीति के अनुसार पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और गोरखपुर को पॉलिथीन से आजाद कराया जाएगा। आपकी नजर में अभी तक गोरखपुर कितना आजाद हुआ है पॉलिथीन से? देखिए, जब से नोटिफिकेशन जारी हुई है तब से हम लोग, और उससे पहले से भी मुहिम चलाए हुए हैं कि जो हमारा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा था या इनफैक्ट मिसयूज़ हो रहा था वो कम, उसको हम लोग कम करें। अभी क्योंकि जो निर्देश हैं वर्तमान में वो है कि जो हमारे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो पॉलीथीन पैकेट्स हैं 50 माइक्रोन से कम, उन पर प्रतिबंध लगाया गया, और 15 अगस्त से कप प्लेट से भी प्रतिबंध लगेंगे। तो उसमें हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं, और इनफैक्ट हम लोग ना सिर्फ रिटेलर्स के यहाँ हम चेक करा रहे हैं, बल्कि जो होलसेलर्स हैं उनके यहाँ भी हम लोगों ने चेकिंग कराई, उनके काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त हुआ है। और जो हमारे जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हमारे उद्यम है, जहाँ जो प्लास्टिक के पॉलीबैग्स बना रहे हैं प्रतिबंधित श्रेणी के, उनके यहाँ भी सर्वे कराया गया और उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन जो हो रहा था उसको भी रोक लगाई गई है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाया गया है, और जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। काफ़ी लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेंसिटाइज करें कि वो पॉलीथीन को कम से कम यूज़ करें, और जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग पॉली पैकेट्स हैं उनको यूज़ ना करें। तो इस पॉलीथीन के बैन होने से पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आई है और लोगों को एक लघु उद्योग मिल रहा है। गोरखपुर में भी कई ऐसे लोग हैं जो पेपर बैग्स के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कितना हेल्पफुल है और उनके करियर को लेकर के ये कितना इस पर? अब देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, तो वो अलग इशू है। हमारा ये मकसद है कि हम लोग जो प्रतिबंधित पॉलीथीन पैकेट्स हैं उन पर रोक लगाएं, जिससे जो एक स्वच्छता का नारा दिया गया है गोरखपुर शहर को, गोरखपुर ज़िले को स्वच्छ रखने के लिए जो प्रयास है उसमें हम लोग सफल आए। आप वाकिफ ही हैं कि जो पॉलीथीन जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो घूम फिर के अल्टीमेटली हमारे ही पास आ रहा था, हमारे ही शरीर को कष्ट दे रहा था, उससे उसके उस नुकसान हो रहे थे, जो हम लोग खाद और पेय पदार्थ ले रहे थे उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में जा रहा था, तो काफ़ी नुकसान कर रहा था। और मैं समझता हूँ इससे हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसका परसेंटेज ही बढ़ेगा,
और जो एक गंदगी का वातावरण जो यहाँ पे था उसमें कमी आएगी। तो इस 15 अगस्त पे क्या गोरखपुर सच में आज़ाद हो रहा है पॉलीथीन से? हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि गोरखपुर में जो प्रतिबंधित पॉलीथीन्स या प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उस पर रोक लगाए। एक छोटी सी विशेष आप जनता को देना चाहेंगे इस 15 अगस्त पे, आप एक आपकी तरफ से कि वो जनता पॉलीथीन से मुक्त हो, और एक 15 अगस्त के ऊपर आपकी तरफ से एक विशेष? मैं गोरखपुर वासियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारे प्रतिबंधित पॉली पैकेट्स हैं और जो 15 अगस्त से फिर जो और हमारे प्लास्टिक के कप प्लेट्स और जो हमारे इस तरह के जो सामान है जिस पर प्रतिबंध लगेंगे उसका यूज़ ना करें, और ये बहुत नुकसानदायक है। और नुकसान ये ना सिर्फ हमारे वातावरण को करता है बल्कि वातावरण के माध्यम से हमें भी नुकसान करता है। तो हमारे इस प्रयास में, गवर्नमेंट के इस प्रयास में हमारा सहयोग दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे और गोरखपुर को प्रतिबंधित पॉलीथीन से, प्लास्टिक से, और प्लास्टिक के जो कप प्लेट्स हैं जो कि अब हम लोग 15 अगस्त से जिस पर प्रतिबंध लगेंगे उससे हम लोग मुक्ति पाएंगे। शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भी पॉलीथीन से आजाद होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, तभी हम पॉलीथीन से आजाद हो सकेंगे। पॉलीथीन से जहां तक आजादी की बात है उसके बारे में हम लोग को सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सोचने की बात है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या हम देखे जा रहे हैं। क्या हम उनको कूड़े का ढेर देखे जाएंगे कि हम उनको जीने के लिए, एक स्वच्छ सांस लेने के लिए एक स्वच्छ वातावरण देखे जाएंगे। इसके लिए जो अभी जो सरकार ने, जो कोर्ट ने प्लास्टिक को बैन किया है, हम इसका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और जैसा दिख भी रहा है कि ये बैन होने के बाद से सड़कों पे प्लास्टिक बहुत कम दिख रहा है, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि पेपर बैग भी प्लास्टिक का सलूशन नहीं है, क्योंकि पेपर बैग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का मतलब हो गया कि पेड़ों का कटना, वो भी खुद में गलत है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने घर से बैग्स लेके चलें, झोले लेके चलें, और उन झोलों को प्रयोग करें और प्लास्टिक ही नहीं पेपर बैग को भी अवॉइड करें, ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और खुद सोचना पड़ेगा कि यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, यह जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। और अगर हम ये सोचें कि ये हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिस तरह के हम अपनी पीढ़ियों के लिए कमा के जाते हैं, बचत करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तो कम से कम एक अच्छा वातावरण सांस लेने के लिए तो छोड़ के जाएं। निश्चित रूप से सभी लोगों को पॉलीथीन से आज़ादी तो चाहिए, लेकिन पॉलीथीन से आज़ादी लाने से पहले उसका विकल्प ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। हम पॉलीथीन से आज़ादी तो शुद्ध रूप से चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उसका विकल्प अभी लोगों के पास नहीं है। खास करके पॉलीथीन के अलावा जो सबसे हानिकारक चीज़ें जो हम लोग के नालियों और सब कुछ चोक कर रही है, वो प्लास्टिक के ग्लास है, प्लास्टिक के कप हैं। सबसे पहले जो इसको प्रतिबंधित करना चाहिए, सारे प्लास्टिक के उस पर प्रतिबंधित लगाने जी, प्रतिबंध मेन तो बस पॉलीथीन पे निश्चित रूप से प्रतिबंध लगा है और उसका फायदा हो रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो देश नहीं सुधर सकता है। हमें अपने खुद के निजी जीवन में जो डेली प्रयोग हम करते हैं पॉलीथीन, उसका बंद करना पड़ेगा, उसको निश्चित रूप से बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में क्या पूरे देश में इसकी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो पॉलीथीन खैर प्रतिबंध है तो अच्छा है, और इसको हम लोगों को मिल करके आगे इसका जो अभियान है इसको और तेज करना चाहिए। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, उसका विकल्प ढूंढें और एक नई चीज़ देश को स्वच्छ रखें, इससे हमें सभी। देखो आज़ादी जो है ना वो मिलनी चाहिए, मिल जाएगी कि नहीं ये एक एक आदमी जब इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा तो बिल्कुल इससे आज़ादी मिलेगी। और हमें लगता है कि हर व्यक्ति अब इस तरफ जा रहा है कि उसको इससे जो हानि होती है और जो भविष्य में भी जो हानि होने वाली है इस पे लोगों का ध्यान जा रहा है। तो हमें बहुत उम्मीद है और इसमें सब लोगों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हमारे एनवायरमेंट की दृष्टि से प्लास्टिक हमारे कितना खतरा हो सकता है, इससे सबको सचेत रहना चाहिए।
आप एक चीज़ देख लो, सारी जितनी भी मतलब आज के डेट में जितनी भी नालियां हैं सारी इसी से जाम होती हैं, और मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम्स इसमें मैं देखता हूँ। लोग कॉफ़ी बेचते हैं, कॉफ़ी के ऊपर प्लास्टिक को प्लास्टिक से पैक करके इसको दे देते हैं किसी को। अब हर व्यक्ति जानता है कि इस तरीके के पदार्थ से, इस तरीके के पेय पदार्थों को पीने से कैंसर तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और आजकल हर दूसरे तीसरे घरों में सुनने को मिलता है कि उनको कैंसर है, उनको कैंसर है, तरह तरह के कैंसर फैल रहे हैं। तो इससे निश्चित पर्यावरण को, हमारे आहार व्यवहार में निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, और इससे दूर जरूरी है। देखिए, ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है और सरकार का पूरी तरीके से हम स्वागत करते हैं। इनकी बात बिल्कुल माननी चाहिए। जो जो भी सरकार इस तरह के कार्य कर रही है उस सरकार के कदम में कदम मिलाना चाहिए। और 15 अगस्त के दिन ये सारे हिंदुस्तानी को, या जो भी लोग इससे जुड़े हैं, या हम सारे प्रदेश के लोगों को इस शपथ लेनी चाहिए कि आज से हम खुद प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग जो हैं झोला लेकर के चल रहे हैं, और जो जो भी चीज़ हो सकता है मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हाथ से उठा लें ताकि प्लास्टिक का उपयोग ना कर सके, और ऐसे ही धीरे धीरे लोग करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और मेरा ये सबसे आग्रह है कि इससे बचें, प्लास्टिक से बचें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अब इस हालात में हमें भी जागना होगा, स्वयं खुद कठोर कदम उठाने होंगे। हम इस बात की प्रतीक्षा कतई ना करें कि सरकार या तंत्र कोई कदम उठाए, बल्कि हमें खुद पॉलिथीन और थर्माकोल से बने सामानों के उपयोग पर रोकथाम की आदत डालनी होगी। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फहराना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे कुछ और भी नैतिक कर्तव्य हैं जो हमें पूरे मन से निभाने होंगे, क्योंकि ये देश हमारा भी घर है और आपका भी। इस 15 अगस्त को हमें पॉलिथीन से आज़ाद होना ही होगा।